आप देख रहे हैं सच न्यूज। इस समय मैं उपजिले सुंदरबनी के अंदर पहुंचा हूं। यहां पे इस समय जो चुनाव का जो बिगुल था वो बज चुका है। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के उम्मीदवार अशोक शर्मा जी, जो कि पूर्व में भी जो विधायक रह चुके हैं और इन्होंने बेहतर तरीके से जो है जो कालाकोट के लोगों की जो है आवाजें उठाई हैं और उस समय भी लंबे संघर्ष के बाद जो है बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट यहां पे लाए थे आज वह कहीं ना कहीं अदर में लटके हुए हैं। आइए इसे बात करते हैं। सर स्वागत करते हैं हम। आप आजाद पार्टी के उम्मीदवार हैं। सुंदरबनी एक जो है इग्नोर किया गया क्षेत्र था। पहला नौशहरा वालों ने भेदभाव किया, उसके बाद अब आपके साथ जोड़ा गया। सुंदरबनी की स्वतंत्रता के लिए आप क्या चाहेंगे और किस तरह से जो आपका विकास रहेगा सुंदरबनी कालाकोट के लिए किस तरह से रहेगा? देखिए तमाम इस कॉन्स्टिट्यूंसी के जो वोटर्स हैं और सपोर्टर्स हैं, मैं उनका हार्दिक नमस्कार करता हूँ और ये तवक्को करता हूँ कि हम लोग सब मिलके इंसाफ की राह पे गामजन होंगे। सुंदरबनी कालाकोट का जो रिश्ता है, अगर कोई बीमार होता है तो वहाँ का पेशेंट होता है और सुंदरबनी का डॉक्टर होता है। अगर पढ़ाई की हमें ज़रूरत है तो कालाकोट वाला पढ़ने के लिए बच्चा और बच्ची अपने माँ बाप के साथ सुंदरबनी आता है और यहाँ के टीचर्स उनको पढ़ाते हैं। हम उनके बहुत मशहूर हैं कि ये रिश्ता खरीदारी के लिए शादी होती है या दुख सुख के वक्त में जब हमको कोई त्यौहार पे कोई खरीदारी करनी होती है तो हम लोग सारे कालाकोट से चल के जो सुंदरबनी आते हैं। तो कई बहुमुखी रिश्ता हमारा कालाकोट का सुंदरबनी के साथ है और देख लीजिए कि पेशेंट डॉक्टर का कितना आदर मान करता है, विद्यार्थी टीचर का कितना आदर मान करता है और ये खरीदार जो है वो अपने शाहूकार का दुकानदार का कितना आदर मान करता है। उस रिश्ते को हम कायम रखना चाहेंगे और हम चाहेंगे कि जहां सुंदरबनी के लोग, जैसे मैंने माना है इस बात को कि आने वाले वक्त में हमारे यहां से बहुत आईएएस ऑफिसर निकलेंगे। अगर आईएएस ऑफिसर निकलेंगे तो हम चाहेंगे कि केएएस ऑफिसर कालाकोट से भी निकल के आए, वहां भी प्रयास हो हर तरह का और यहां भी हो। और यहां क्या प्रायोरिटी मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरा रिश्ता सुंदरबनी से यह है कि मेरे पूर्वज जो हैं वो रुगा से हैं, ये चन्नीप्राट के बिल्कुल पीछे पड़ता है। मेरे कुल देवता जो हैं ये चन्नीप्राट में हैं। मेरा भाई मेरे से छोटे दरबारी जी वो यहां बसते हैं आपके बिल्कुल सुंदरबनी आप दरिया क्रॉस करो ठंडा पानी से और फिर लेफ्ट साइड पे पहला मकान उन्हीं का है, यहां रहते हैं वो। तो ये एक रिश्ता अटूट है। मेरे दोस्त सारे के सारे सुंदरबनी के हैं। मेरे क्लास फेलो यहां के हैं जो कॉलेज में यूनिवर्सिटी में और अभी जो हम वकालत करते हैं उसमें हैं। इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज जो सबसे ज्यादा कंसंट्रेट हुई हमारी मेरी लाइफ में वो सुंदरबनी में हुई। तो एक बहुत बड़ा हमारा रिश्ता है। सुंदरबनी के लोग आपसे उपेक्षा रखेंगे कि साहब आप मूल रूप से यही के स्थानीय निवासी हैं, आप शायद राजनीतिक तौर पर आप सुंदरबनी का विकास हो सकता है, क्यों नहीं? क्योंकि यहां से हम लोग रुग्गा से चल के पंजा गए और कुछ लोग हम लोग कालाकोट अपर कालाकोट में बस गए। अब आप हैरान होंगे कि जब मैंने 84 में इलेक्शन लड़ा तो मेरी हमारे छोटी सी जो कास्ट है नहाल, हम लोग वहां चले गए लेकिन पाटातला चन्नी और इन जगहों पे बहुत सारी लंगर नोती में हमारे उसी परिवार के लोग रहते हैं। जब मैंने उस वक्त 84 में इलेक्शन लड़ा तब मैंने सबसे ज्यादा लीड मुझे तो हुई थी गांव पंजा से जहां मैं रहता हूं और नंबर 2 265 वोट मुझे जो है पाटातला से मिले थे। तो ये मेरा बुनियाद है। यहां मेरा कालाकोट में पंजा घर है जहां मैं पैदा हुआ हूं, वहां मेरे पुरुष जो है वो यहां से पैदा होके गए हैं। तो मेरा एक सिर्फ जज्बाती रिश्ता नहीं है बल्कि एक मैं उनका अनुजाई हूं, यहां का अनुजाई हूं मैं। तो मेरे पुरुष जो हैं यहां के हैं, ये बहुत बड़ा रिश्ता होता है। शिक्षा के क्षेत्र में जो है सुंदरबनी ने तरक्की की है, मिनी केरला के नाम से जाना जाता है। राजनीतिक तौर पर जो है सुंदरबनी पिछड़ गया है, आप किस तरह से दोबारा उसे विकसित करने में कामयाब होंगे?
देखिए, मेरी अपेक्षा रहेगी कि आने वाले वक्त में जब भी डिलिमिटेशन होता है तो सुंदरबनी पूरी पुरानी तहसील को एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के रूप में उभर के आए। क्या ये आपका वादा है लोगों के साथ? वादा है, मेरा मन से वादा है, दिलो दिमाग से, दोनों से मैं वादा करता हूं कि ये मेरी अपेक्षा। और यही मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जो हम मिले थे, जो जस्टिस लेडी जस्टिस जो उसकी चीफ थी और के वो शर्मा साहब एडवाइजर थे, वो भी उसके मेंबर थे, तो जब मैंने उनसे बताया कि मैडम ऑनरेबल जस्टिस मैडम ये बताइए मुझे, अगर कठुआ की सीट हमसे ज्यादा है एक, लेकिन पॉपुलेशन वहां 40,000 हमसे कम है राजौरी से, तो वहां की सीट जो है वो आप एक बढ़ा रहे हैं, छह कर रहे हैं, तो हमारी साथ होनी चाहिए, लेकिन हम साथ नहीं मांगते, हमें छह दे दें। और वो कौन सी होंगी? क्योंकि पुरानी छह तहसीलें थी, सुंदरबनी, नुशहरा, कालाकोट, बुद्धल, थना मंडी, रजौरी, तो वही तहसीलें आप कर दें, किसी को कोई इतराज नहीं होगा, सभी उसको वेलकम करेंगे, क्योंकि तहसील पुरानी तहसील में लोगों का आना जाना लगातार कई दहाइयों से होता है, और वही उसको सेंटर लेके चलते हैं, सड़क भी हर गांव से सड़क वहीं जाती है, हर ये लाइन जो पीएचई की स्कीम है वहीं से उसका रास्ता रहता है, और वहीं से जो है हमारा बिजली की तारें भी निकलती हैं, तो हर और स्कूल और कॉलेज का भी लिंकेज वहीं से होता है, तो ये एक सेंट्रल प्लेसेस ऑलरेडी फिक्स हुई हुई हैं, तो उनको ही आप करिए। उन्होंने मान लिया था, और के गुप्ता साहब एडवाइजर साहब ने मान लिया था, और उसमें मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ मेरे भाई जो यहाँ के प्रसिद्ध नागरिक हैं और बहुत बड़े